टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार शो वेलकम टू द मजेदार शो विद आदि फैजान सीजन 3। उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूं हमारे हाउस बैंड द करार बॉयज। सब खैरियत से है, ठीक ठाक है, मजे में, ऑल राइट। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर और यहां बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि आदिल अमजद। अस्सलाम वालेकुम। आदि भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदि भाई क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में ये चल रहा है कि मार्केट में बारिशें हो रही हैं। जी जी। मार्केट में लोगों नौकरियां ढूंढ रहे हैं लोग। हाँ, ये तो हमेशा से हो रहा है हमारे यहाँ। नहीं, अभी ज्यादा हो रहा है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी थोड़े दिन पहले भी एक चीज कह रहा था, मुझे मेरे दोस्त मेरे खिलाफ हो गए। अच्छा। मेरे दोस्त इस बात के खिलाफ हो गए कि हम एक जगह पे खाना खा रहे थे और कराची का ये कल्चर है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपके आसपास बहुत सारे मांगने वाले आके खड़े हो जाते हैं और वो एक उनका चलता है कि जी माँ बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार है। ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ यहाँ से जाएं, खाना खाने दें। हाँ। तो मेरे सारे दोस्तों ने कहा यार तुम्हें गरीब आदमी से इस तरह नहीं बात करनी चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपके दिल में इतना एहसास है तो आपके घर में जो काम करने वाले हैं, आपके ड्राइवर गार्ड जो करने वाले हैं, आप उनकी 5,000 रुपये तनख्वाह तो बढ़ा दो। हाँ। जिस पे उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इस तरह करेंगे तो उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ये भी चल रहा है कि जहाँ एहसास करना है वहाँ में मौत आती है। हाँ। जिन्होंने बिजनेस बनाए हुए उनको आप 10 रुपये दे के अपने आप के सुपरमैन बने हुए। तो ये भी एक आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस, ये ज़बरदस्ती के पैसे देना, ये बिजनेस को आप प्रमोट कर रहे हैं, रश बढ़ता जा रहा है हर जगह, हर सिग्नल पे आप खड़े होते हैं तो आपकी ना फैमिली की कोई प्राइवेसी है क्योंकि 3 लोग इधर शीशे पे चिपके हुए हैं, 3 लोग उधर शीशे पे चिपके हुए हैं। तो अगर आप इसे बायकॉट करेंगे तो अंदर बैठ भी जाते हैं साथ ही अंदर क्या उतार दीजिएगा। हाँ, तो मेरे ख्याल से इसको हमें अवॉइड करना चाहिए और इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे अंदर दिल नहीं है, लेकिन हमारे अंदर अकल तो मेरे ख्याल से है। ठीक है, जहाँ इतनी सारे मसाइल हैं वहाँ कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें है ना, जैसे कि हमारी म्यूजिक बहुत ज्यादा आपको पता है दुनिया में फ्लरिश कर रही है, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत ही जबरदस्त हमारी आर्टिस्ट है, बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी बहुत हसीन सारी बातें है कि है। बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बिल्कुल बहुत ज्यादा टैलेंटेड हमारी एक आर्टिस्ट है जिनको न्यूयॉर्क में जो है एक जगह उनको फीचर किया गया, एक बहुत ही जबरदस्त ऐप है उसके जरिए और बहुत बड़ी बिल्डिंग पे उनकी तस्वीर भी आई थी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उनके जो गाने हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। इनकी एक बहुत ही जबरदस्त जर्नी है, किस तरह से इन्होंने काम शुरू किया और किस तरह से अपनी जगह बनाई इस इंडस्ट्री में, इनको बुलाएंगे, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर और यहां बैठ के बजाएंगे फॉर नताशा पे। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि उर्दू में बात करेंगे या आपसे इंग्लिश में बात करें? बिकॉज़ न्यूयॉर्क वाला मसला तो नहीं हुआ भी? नहीं भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल उर्दू में बात करेंगे। चलें फिर आए आप आगे। आगे। और आपसे हम उर्दू में ही बात करेंगे। नताशा सबसे पहले आप बैठे और वेलकम टू द शो। मुझे बताए कैसा लग रहा है जिस मुल्क में सिर्फ अजीब और गरीब पॉलिटिशियनों की बिल्डिंगों पे तस्वीर लगती है। हाँ। उसके बाद आपकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पे तस्वीर लगी, माशाल्लाह। तो कैसा लगा आपको? इट फील्स ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है मुझे अभी भी ठीक से हजम नहीं हुई है ये। ऐसा तो नहीं हुआ फिजिकली जाके देखा नहीं ना, चेक तो नहीं करती, डिलीट तो नहीं कर देगा उसको यार? नहीं, मैं एक बात, किसी ने ना लिखा था कि मतलब ऑब्वियसली उस तरह के पोस्ट को आप फोटोशॉप भी कर सकते हो ना, तो किसी ने शायद लिखा भी था कि इट्स फोटोशॉप्ड। तो मेरी अपनी अम्मी, मतलब मेरी अम्मी ने मुझे दिखाया पिक्चर में कि नीचे गाड़ी के भी
विंडस्क्रीन मतलब के ना उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा था. मैंने बोला इट्स नॉट फोटोशॉप. अम्मा तेज है भाई, अम्मा तेज है. अम्मी ने सही नजर रखी है, अम्मी ने सही नजर, मतलब सही लगी है, मतलब लगी है. आप देखें लोगों की माशाल्लाह अकल, देखेंगे कोई कामयाब हो रहा है तो ना खुद खुश होना ना उसके लिए होना. ये तो आलम है, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. आप किसी सेलिब्रिटी के भी तस्वीर के नीचे जाए तो सिर्फ वहाँ पे कड़वे अल्फाज ही होते हैं. दैट्स बिकॉज कि दे आर फ्रस्ट्रेटेड. उनको शायद वो खुशी चाहिए जो दूसरों की देखी नहीं जा रही, तो इस वजह से वो अपनी. वैसे अगर आप कमेंट्स देखें ना यूट्यूब पे, डिजिटल मीडिया पे, तो कमेंट्स देख के ऐसा लगता है कि पूरी इंडस्ट्री को काम नहीं आता. ये फहद मुस्तफा क्या शो करता है, ये वसीम बदामी क्या करता है, क्या आता है ये नताशा अपनी तरफ से, पता नहीं क्या गा रही है. एक बार एक बार एक बहुत अच्छा कॉमेंट आया था, मुझे आज तक हंसी आती है और ये दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं. आपसे तो अच्छा मैं गा लेता हूँ. आपसे अच्छा मैं गा लेता हूँ. I loved that comment. मुझे बहुत हंसी आई थी यार. जबरदस्त. ये बताएं जर्नी शुरू कहाँ से हुई, हमें तो पता है लेकिन मैं चाहता हूँ ऑडियंस से. किधर पैदा कहाँ हुई आप? मैं हॉस्पिटल ना बोलेगा. कराची में पैदा हुई हूँ. अक्सर लोग जो है जब मैं कहती हूँ आई बिलोंग टू हुंजा तो फिर वो अपनी तरफ से स्टोरी बनाते हैं हुंजा में पैदा हुई. हुंजा में पैदा हुई, यहां आ गई, पत्थरों के खिलौनों से खेलती थी. एग्जैक्टली. मैं पैदा कराची में लेकिन फिर वापस चली गई थी. अच्छा, हुंजा गिलगित. मतलब आप पैदा होती, आपने कहा चलो अम्मू निकले. मैं तो नहीं गई थी ना, मतलब मेरी अम्मी मुझे लेकर गई थी. तो हम लोग फिर मैंने बचपन जो है फिर वहाँ गिलगित में गुजारा अपने नाना नानी के घर पे. और फिर आई थिंक अराउंड व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड मे बी, उसके बाद हम वापस आ गए थे कराची फॉर गुड. ठीक है. मतलब ये फैमिली की तरफ से हुआ है, आपका इसमें कुछ नहीं था. मेरा इसमें क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है. तो आपको याद आता है गिलगित या आपको लगता है? मुझे बिल्कुल याद आता है. और जहाँ जिस घर में मैंने अपना बचपन गुजारा है वो घर मुझे बहुत पसंद है. और अक्सर मुझे वो घर याद आता है, जब भी जाती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है. उस घर में कौन रहता है आप? अब मेरी नानी है और मेरे मामू हैं और उनके बच्चे हैं. वाह, मतलब उस घर में है. तो ये म्यूजिक का रुझान कहाँ से आया, किसने इंस्पायर किया आपको, आपने सोचा जी मैंने सिंगर बनना है? अच्छा, ये भी प्लान जो है ना ऑल ऑफ अ सडन हुआ है. तो जितने भी जो मुझे बचपन से जानते हैं और जो स्कूल के लोग ज्यादा जानते हैं वो सब शॉक्ड हैं इस चीज से कि ये सिंगर निकल आई. इवन आई वाज शॉक्ड कि आई एम अ सिंगर. तो ये हुआ ये था कि मेरा कभी भी बचपन में कोई म्यूजिक वाला सीन नहीं था कि मैं म्यूजिक करूंगी. मेरे घर पे भी अगर जो रुझान म्यूजिक की तरफ था मेरे मामू का था. वो वहाँ पे रीजनल साइड पे बहुत मशहूर थे. बुरुशस की और शिना ये वाली चीज़ें वो गाते थे बनाते थे. तो ही वॉज रियली फेमस. पर उसके बावजूद मुझे ये नहीं हुआ था कि उनको देख करके मुझे कोई इंस्पिरेशन आए. फिर मेरे घर में ही, मतलब मेरा अपना छोटा भाई जो भी मेरे साथ ही काम कर रहा है, मेरे साथ स्टेज पर भी मेरे साथ बजाता है और प्रोड्यूस भी मेरे गाने वही उसी ने किए हैं. बट ही वॉज द वन हु वॉज लाइक इन टू म्यूजिक. और वो पहले ड्रम्स बजा रहा होता था घर पे, फिर वही मेरे कजन के साथ बैठ के कोक स्टूडियो सुनता था. ठीक है. तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल कोक स्टूडियो नहीं सुनती थी, मतलब इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी एट ऑल. छोटी थी उस टाइम पे, मतलब ऑब्वियसली अपने भाइयों से बड़ी थी, पर आई वॉज लाइक मे बी 16 ईयर्स ओल्ड शायद यही वाला. हाँ, तो मैं क्रिकेट खेल रही थी. सही है, क्रिकेट खेल रही थी. हाँ, मैं स्पोर्ट्स में थी, मैं अंडर 19 अंडर 17 खेल रही थी. वो अच्छा, मतलब प्रॉपर कपड़े क्रिकेट विट पहन के? हाँ, मैंने डायरेक्ट हार्ड बॉल से शुरू की है क्रिकेट. मुझे टेनिस से आती भी नहीं है खेलने. बहुत ही जलील किया आपने इनडायरेक्टली मुझे. हाँ, क्योंकि इनको क्रिकेट कभी छूके भी नहीं गुजरी. छूके यार, पता है, यकीन करो मेरी जिंदगी में क्रिकेट कैसा है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं ना क्रिकेट फॉलो करती थी और मुझे क्रिकेट से बहुत चिढ़ती. आपको अपनी जिंदगी के बारे में क्या पता है? हाँ, ना क्रिकेट के बारे में पता है, घर वालों को पता है कि आप दुनिया में कैसे. सब अचानक हुई थी, सब चीजें अचानक हुई है मेरे साथ. अच्छा, सो क्रिकेट खेलती थी आप? तो उसी दौरान जो है मेरे भाई लोग एक कोक स्टूडियो की चीजें देख रहे थे, आपस में जैम करते थे, उनको कोई सिंगर चाहिए होता था. अच्छा, उस दौरान मेरे बचपन के टाइम पे मैंने एक दो जगह कहीं गा दिया होगा, गुनगुना दिया होगा, तो लोग कहते थे ओह क्या आवाज. मैं कहती थी यार ये मजाक उड़ा रहे, ऐसी आवाज सिंगर थोड़ी कोई बनता है, क्योंकि एक बहुत डिफरेंट आवाज है ना. मैं बात भी करती हूँ तो एक बहुत बड़ी आवाज है, बचपन से इतनी बड़ी आवाज. तो खैर मुझे लगता था मजाक उड़ा रहे हैं. पर फिर मेरे भाइयों के साथ मैंने बोला चलो यार, इनकी वजह से मैंने गाना भी याद कर लिया कोक स्टूडियो का. अब उनके साथ मैं जैम करती थी, फिर मैं फोन पे हम रिकॉर्ड करते थे, और रिकॉर्डेड आवाज कितनी बुरी लगती है ना आपको, अपनी खास तौर पर बहुत बुरी लगती थी. लेकिन वो सुन सुनकर जो है ना मैं आदी हो गई. फिर मैंने अपने टीम मेट्स को सुनाया, उनको भी अच्छा लग गया. तो फिर मैं क्रिकेट के अपने टीम मेट्स के साथ गाने गाती रहती थी. फिर वहां से मेरा जो है ना शौक बढ़ता गया. मतलब इसमें ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि मैं मोमबत्ती के आगे सुर लगा रही थी तो मोमबत्ती बुझ गई एकदम से? मोमबत्ती के आगे कौन सुर लगाता है? हां, वैसे कौन लगाता है? आप किसी भी मोमबत्ती के आगे लोग चिल्ला काटते हैं. आप वो जो मर्जी काटे मोमबत्ती के आगे. अच्छा, लेकिन मैंने मोस्टली देखा है जब भी आप किसी कहानी पूछे ना तो उसकी बेस पे एक ऐसी चीज जरूर होती है. नहीं, आई थिंक मेरी लाइफ में म्यूजिक का मुझे तभी एहसास हुआ जब लोगों ने मुझे पुश किया कि तुम्हारी आवाज अच्छी है. जब मुझे लगता भी था तो भी मैं मुझे शर्म आती थी बोलने में, और मैं कमरे में अपना आपको सुना के कहती थी पता नहीं, आई थिंक नॉट बैड.
ठीक है, तो फिर ब्रेक थ्रू कैसे मिला आपने, क्या सोचा आपने, क्या करूं मैं? कि बस अब म्यूजिक, फिर एक तो डिस्कवरी होती है, फिर अचानक से पैशन बन गया, प्यार हो गया मुझे म्यूजिक से। वो तब हुआ जब स्लोली आई, मतलब व्हेन आई डिस्कवर्ड सिंगिंग एंड देन व्हेन पीपल वर सेइंग के तुम्हारा टोन डिफरेंट है, ये मतलब ये सीन है तुम्हारा, क्योंकि बिना सीखे, मैंने अपनी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है म्यूजिक की, तो बिना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग के मतलब लोग हैरान होते थे कि मैं ये चीज़ भी पुल ऑफ कर रही हूँ, मैं मुर्कियाँ लगा सकती हूँ। शायद इट वॉज इन द फैमिली, क्योंकि मेरे ननियाल में शायद मामू की वजह से। सो उसके बाद फिर हुआ ये कि माइकल जैक्सन का इंतकाल हो गया। हाँ बिल्कुल, टीवी पर जो है, टीवी पर जो है क्रिकेट चल रही थी, जाना माइकल जैक्सन का, अब वही क्रिकेट चल रहा है वो साइड में ही है। अब 2009 में माइकल जैक्सन का इंतकाल होता है और वो टीवी पे डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं और वो मैं डॉक्यूमेंट्रीज देख रही हूँ और अचानक से मैं देख रही हूँ कि अच्छा, अब जाहिर सी बात है सोशल मीडिया तो था नहीं हमारे पास, जो टीवी में दिखता था तभी हमें नोहा होती थी। आज के बच्चों की तरह, आज के बच्चे लकी हैं हर चीज़ में, दे आर लाइक यू नो अपडेटेड। अब सुना था सिर्फ माइकल जैक्सन को, लेकिन जब इतना ज़्यादा टीवी पे आने लगा, हर चैनल पे डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, तो इट रियली इंपैक्टेड मी इन दैट सेंस कि मैंने बोला यार वैसे व्हाट अ मैन ही वाज, मतलब स्टेज पर जो वो परफॉर्मेंस दे रहा था, तो एक जो परफॉर्मर होता था वो, तो बस मुझे हुआ कि यार इंसान को यही बनना चाहिए, कि लोग बेहोश हो जाते थे। गर्मी की वजह से भी बेहोश होते थे वहाँ, मौसम बड़ा खराब था वहाँ, हमारे हमने से बर्दाश्त नहीं होते अच्छी चीजें। देखिए मसले की हमारे यहाँ ऐसा जरूर पॉसिबल है ना, हाँ, लेकिन वहाँ हमारे यहाँ तो ऐसा भी हो सकता है कि आप भी होश हो जाए अभी गर्मी से। वैसे वो जो केके का जो इंतकाल हो इसी वजह से, वो इसी वजह से, बहुत ही सीरियस बात कह रही हूँ। सो हाँ, ये वाले मिसहैप्स तो होते हैं, बट ये कि हाँ, दैट वॉज द पॉइंट when I was like I want to become a performer, although I don't perform like him, मैं कोई exactly कोई moonwalk नहीं करती या आउ नहीं करती, but ये के वो performance का जो passion है ना, वो मुझे Michael Jackson से आया। तो जी, Michael Jackson ने आपको inspire कर दिया, आपने कहा मैंने Michael Jackson बनना है, तो इसकी तरह पहला कदम क्या था आपका, मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है, अब जो है, पर फिर मैं गाती थी। अच्छा, फिर obviously जब आप शुरू में गाते हो तो आप इतने अच्छे नहीं होते, वक्त के साथ जो है पॉलिश होते हो। हाँ। जिस तरह मैं आज गा सकती हूँ, उस तरह मैं बैक देन इतना उस तरह कॉन्फिडेंस एंड देन डिस्कवरी अपने बारे में खोज, तो ठीक है मैं गा रही थी, मुनासिब गा रही थी, लेकिन फिर क्या होता था, मैं वेट करती थी कि घर में ना जब कोई नहीं होता था ना, फिर मैं कैरियोके लगाती थी और जोर से गाती और गला फाड़ के उसी स्केल पे, दो तीन पड़ोसी भी चल रहे पड़ोसियों पर तक बहुत आवाज गई है मेरी। I can imagine. हुई कभी शिकायत हुई किसी ने, बोला कि भाई आप क्यों गा रहे हैं? They never used to complain, they used to enjoy it. बहरे तो नहीं थे? अच्छा, फरमाइश आ रही थी वहां से, ये वाला भी गा दें, मतलब वो कहते थे हमें आवाज आई तुम ये गा रही थी। अच्छा, वाह वाह, वेरी नाइस। तो ये वाला सीन था, तो बस इस तरह मुझे लगता है वो कैरियोके इसमें ज्यादा गा गा के ना, गला फाड़ फाड़ के किस तरह मेरा रेंज बढ़ता गया। और फिर मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया, एक लोकल कंपटीशन में पार्ट लिया था, पहले थोड़ी सी हिम्मत की मैंने, फिर वहां पर मैं सेकंड आई, क्योंकि मेरा अपना सगा कजन ही फर्स्ट आया था, ये अपने ये फैमिली में ही खेल रहे थे हम। तो उसके बाद फिर वहां से जो जजेस आए थे ना, तो जजेस मैं बताती हूँ कौन थे उस टाइम पे, शेरी रजा वॉज द जज एंड सुहेल हैदर, जैन एंड सीमेन जेवियर, तो ये सारे जजेस थे तब, और उस टाइम पे मैं उनके सामने गा रही थी। और फिर सुहेल हैदर वॉज द वन हु एक्चुअली कॉल्ड मी फॉर एन ओएसटी, जैन कॉल्ड मी फॉर हिज रेडियो शो, तो वहीं से भी सिलसिला शुरू हो गया। और एक के बाद एक चीज आती, फिर उसके बाद फिर हर अपॉर्चुनिटी के लिए मैं तैयार रहती थी कि बस अब अचानक। तो उसके बाद ऐसा तो नहीं हुआ आपने सोचा होगा यार मेरा क्रिकेट, मेरे क्रिकेट का क्या? नहीं, पता है क्रिकेट का क्या सीन हुआ था, जब मैं खेल रही थी मैं बहुत पैशनेट थी, लेकिन क्योंकि घर की तरफ से ही ना मुझे वो जितनी खुशी और सपोर्ट मुझे वहाँ मतलब मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी क्रिकेट फ्रॉम माय फादर। ऐसा नहीं कि म्यूजिक में भी उन्होंने कोई सपोर्ट किया, पर जब क्रिकेट के टाइम से ही मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहती थी ना, उनको हमेशा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उनको था बस सिर्फ डॉक्टर बनो, क्योंकि फलाने की बेटी डॉक्टर बनी है। सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वो टिपिकल सीन। अब क्या होता है, माँ बाप अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे होते। अब मैं कोई गलत मांग तो नहीं कर रही थी, मैं वो चीज करना चाह रही थी जो मैं चाह रही हूँ। पहले मैं अपनी खुशी स्पोर्ट्स में ढूंढ रही थी, और सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला मैंने, मैंने स्पोर्ट्स में सब कुछ खेला है, मैंने वॉलीबॉल भी खेला है, मैंने मैंने क्या बोलते हैं बेसबॉल भी खेला है, मैंने शॉट पुट थ्रो भी किया है, मतलब आई हैव डन। हमारी माए ऐसा कुछ सुन के कहती है रोटी तो गोल बनती नहीं होगी इससे। बनती है। अच्छा, रोटी भी अभी ले आओ बना के दिखाऊंगी रोटी। हाँ, गोल, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। असल में गोल रोटी सीखने का मुझे शौक इसलिए था कि हुंजा में जो है ना एक अलग टेक्निक से रोटी बनती है। अच्छा, ठीक है, तो वो टेक्निक मुझे बहुत पसंद थी। नहीं, उसमें होता ही है कि पता नहीं एक टेक्निक बहुत अभी भी मजा आता है, मतलब अभी भी मम्मी को कहती हूँ जब रोटी बनानी हो ना तो मुझे बुलाइएगा, क्योंकि मुझे वो करना बहुत पसंद है कि वो बेलन से ना रोटी को ऊपर यूं करके यूं करते तो एक आवाज आती है पुटुप,
पुटुक पता नहीं कुछ अजीब सी आवाज आती है, आई लव दैट पुटुक। तो वो मैं करते करते ना वो गोल हो जाती है, तो मुझे उस टेक्निक की वजह से वो रोटी बनाना आती है। वाह क्या बात है, यहाँ जितनी खवातीन बैठी है कोई गोल रोटी वाला? माशाल्लाह सब इधर उधर देख रहे हैं, वाकई दो तीन। वाह यार तो अच्छी बात है, तो आना चाहिए गोल रोटी। पुटुक आती है बस आप लोग यहाँ? वो नहीं आ सकती, दैट फुंजा टेक्निक मैन। अच्छा खाली फुंजा में पुटुक आवाज आ रहा है? ये क्या बात हुई यार, ऐसा ना आपके किचन का पाइप लीक हो वहां से पानी गिरता है। नहीं है वो, मैं आवाज गलत निकाल रही हूँ, वो बहुत होगी यार पता नहीं मुझे, अब मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। लड़का भाई रोटी बनाता है पुटुक, सबको आनी चाहिए पुटुक। यानी उधर रोटी बनाता है, वेरी गुड। लेकिन अच्छा लगा मुझे कि भाई लड़के को रोटी बनानी आती है, सबको आना चाहिए भाई। हाँ बेसिक आना सबको चाहिए, वरना फिर डॉक्टर को दिखाया कर नहीं आ रहा तो। अच्छा तो ये बताइए कि आपने कहा इतने लोगों ने आपका साथ भी दिया, दोस्तों ने भी इनकरेज किया, कौन थे जिन्होंने कहा कि नहीं अब्बा का आपने बताया? जैसे स्पेशली माई फादर, एंड माई फादर वॉज ऑल्सो वो इस वजह से ऐसे हो गए थे कि वो पीछे फैमिली से उनको सही है प्रेशर आ रहा था, कि क्योंकि हुआ ये था कि मैंने एक शो किया था अपने अब्बा से छुपकर, सबसे पहला रियलिटी शो किया था, रियलिटी शो किया था कॉर्नेटो म्यूजिक आइकॉन्स के नाम से आया था 2013 में। तो मेरे अब्बा दुबई में काम करते थे, तो मैंने उस चीज़ का फायदा उठा के मैंने बोला यार इनको कौन बता देगा। असल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पहले भी आई थी जिस पर मैंने बैठ के बात की थी कि अब्बा और उन्होंने मना कर दिया, जाने दे नहीं जाने देना तो साथ चल लें अगर आपको, लेकिन करने तो दें। तो वो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, तो फिर मुझे हुआ कि यार नहीं दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि जिस तरह का बचपन मैंने देखा है ना, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे माई फैमिली वॉज एंड आई वॉन्टेड चेंज। और वो उस चेंज के लिए मुझे उस टाइम पे पता था मैं कब बड़ी होंगी, मैं जल्दी कोई स्टेप लूंगी, क्योंकि आई वॉन्टेड जिस तरह जो चल रहा था ना वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, अपने लिए नहीं सबके लिए, मतलब ये पूरी फैमिली का, क्योंकि वो फैमिली डिस्टर्बिंग थी फैमिली। तो इस वजह से क्या हुआ कि फिर मैंने कॉर्नेटो के टाइम पे जो है वो फिर दुबई में ही होते थे, और वो मैंने रियलिटी शो किया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे कहा भी कि जब टीवी पे आएगा तो क्या करेंगे, मैंने बोला अल्लाह मालिक है टीवी तोड़ देंगे घर का। तो वो नहीं, वो यहाँ तो नहीं थे ना, तो अब हुआ ये कि वो आ गया शो, और वो आया तो मेरे शो आया यहाँ से अब्बा नहीं, अब्बा अब तब भी नहीं आया। अजीब भी चीज़ है कि मेरे अब्बा ने कभी मुझे आके फिजिकली कन्फ्रंट नहीं किया इस बात का, मुझे खैर अब तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, ही इज़ नॉट लाइक इन दिस वर्ल्ड एनी मोर। 2020 में ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, but I always wanted him to like confront me, he never did that, just because some of my family members said something against me. उन्होंने उनको follow किया, अपनी बेटी को नहीं सुना, वो ज़्यादा important थे या मैं, मतलब मैं आपका खून हूँ। तो मुझे ये चीज़ें मेरे अंदर अभी भी grudge की तरह अंदर फंसी हुई है, लेकिन अब मैं कहीं निकाल नहीं सकती because the man is not here anymore. So my one of my cousins from the family, he shared it, but in a very good words. Facebook पे उन्होंने शेयर किया कि wow, our cousin is on the TV or she is singing. और उसके नीचे जो लाइन लगी है मेरे खानदान वालों की कमेंट्स की, सारे नेगेटिव कमेंट्स थे कि अपने खानदान वाले, सारे मेरे खानदान वाले कि ये क्या, सब मेरे बाप को टैग कर रहे हैं ना, मेरे अब्बा को टैग कर रहे हैं कि ये क्या, ये जाकिर साहब ये देखें, ये तो हमारा कल्चर नहीं है, क्या ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना। बट देर वन और टू पीपल हु वर लाइक ऑन माई साइड, बट वो जो चीज़ें मैं पढ़ रही थी, अच्छा लोग तो बोल रहे हैं, माई फादर वॉज लेटिंग देम से मोर कि मतलब हाँ मैं क्या करूँ, देखो ये कर दिया इसने, बात तो सही कर रहे हैं मतलब। और वो मैं तो बहुत तमीज़ से कह रही हूँ, मुझे बहुत बुरे बुरे अल्फाज में बोला जा रहा था। तो उस टाइम में मैं छोटी थी, नाजुक भी थी, दिली तौर पे सेंसिटिव, मैं रोती थी ये कमेंट्स पढ़ के। फिर अब तो खैर अब नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन सो देन यू नो ही कट ऑफ आफ्टर दैट शो, मतलब उन्होंने बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया, और उन्होंने मुझे सज़ा के तौर पर बोला कि अब मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करूँगा, और सिर्फ तुम्हें नहीं, अम्मा को भी नहीं करूँगा, भाई को भी नहीं करूँगा, अब तुम लोग अपने उस पर। तो बस फिर मैंने बोला ठीक है, इफ आई हैव टू प्रूव माय सेल्फ देन आई विल टेक द चैलेंज, एंड आई टुक द चैलेंज, एंड आई एम सिंस देन आई हैव बीन रनिंग द फैमिली। माशाल्लाह माशाल्लाह यार जबरदस्त, क्या जबरदस्त जर्नी है। अच्छा हमें नहीं पता था कि ये इसके पीछे माशाल्लाह इतना सब कुछ है। आई मीन अगर व्हेन आई लुक बैक तो थिंग्स आर वेरी डिस्टर्बिंग वर, but do you think that actually helped you? I'm glad it happened with me. us time pe hota tha ki why me god, aur khuda se bhi jhagda hota tha, bahut gussa aa raha hota tha ki dimag mein suicidal thoughts aate the, lekin ab ye ki ab to main kehti hu ki thank you god you made me, you know aapne mujhe sab dekhne ka mauka diya, kyunki mujhe usse jo hai mere andar jo ek direction aayi na, mujhe lagta hai ki that made you the person that you are right now, that I am today, aur wo sara anger ko maine usi taraf fir direct kiya, to I'm happy. jin jin khandan ne mere khilaf matlab awaaz uthai, thank you so much for that. तो आप कभी भेजती हैं वो वाले ये न्यूयॉर्क वाले बिलबोर्ड की शेयर किया आपने? मैं किसी को नहीं भेजती, सुनो गलती से भेज दिया, सॉरी नहीं, बल्कि उल्टा मुझे मैसेजेस आते हैं, हम आपके अंकल होते हैं,
हम आपके कजन होते हैं, आप आगे से कद्दू की तस्वीर भेज दिया करें। लेकिन देखे ना, मतलब ये सारी बातों के दो रास्ते होते हैं, या तो बंदा सही जगह निकल जाता exactly. है, या बंदा टेढ़ी जगह निकल जाता है। Now everyone wants to be called my relative. और तस्वीर जब आप घर जाते हैं तो आपको एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट भी किया जाता है, ताकि बाकियों को बता सके कि इतनी करीब की कजन है यार, तो मेरे घर पे ही होती है। तो ये आई थिंक इट्स टू वे अराउंड। अच्छा, इस पूरी जर्नी में कभी कोई रिग्रेट हुआ है कि यार शायद क्रिकेट ही खेल लेती तो सही था? यार रिग्रेट देखे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पर हूँ खुश हूँ, और मतलब मुझे खुशी है कि मैंने क्रिकेट को कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है। बहुत मेहनत है और बॉल बैट बल्ला महंगा है, मतलब बहुत मेहनत है, और उसमें आपका रंग भी जा रहा है, आप धूप में खेल रहे हो, मतलब मुझे यकीन नहीं आता उस टाइम मैंने धूप में खेल लिया, अब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। मेरे अपने दोस्त क्रिकेट टीम में हैं अभी पाकिस्तान की। अच्छा। और जब उनके मैं वो पोस्ट देख रही होती हूँ, नहीं रंग नहीं पोस्ट देखती हूँ कि धूप में खेल रहे हैं, मैं गर्मी में घर में बैठी हूँ खेल रहे हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह पता नहीं मैं कैसे खेलती थी। तो अब रिग्रेट नहीं है, लेकिन एक चीज़ होता है कि मैं तो बन गई सिंगर लड़ा लड़ा के सब करके, लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि कल को अगर मेरी कोई औलाद होती है और अगर वो ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि दे वांट टू बिकम अ सिंगर, तो शायद मैं उनको कहूँगी कि बेटा इंटरनेशनल जा के सिंगर बनना, क्योंकि यहाँ थोड़ा पाकिस्तान में सिंगर बनने का सीन या कुछ भी करने का सीन, एक तरह से आर्टिस्ट बनने का सीन इस तरह से मुश्किल है कि इंडस्ट्री हमारी सो कॉल्ड इंडस्ट्री है, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री है ही नहीं ना। तो अब ये प्रॉब्लम्स, ये दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, ये फैमिली प्रॉब्लम से निकली, तो फिर जब एक जगह मैं बन गई, एक जगह मैंने अचीव की, तो देखा कि ओ माय गॉड अब मैं सिंगर तो बन गई हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई रैकेट लेबल नहीं है, मेरे लिए कोई इस तरह का पोर्टल ही नहीं है, सब खुद क्रिएट करना है। वो सब मैंने खुद क्रिएट किया, लेकिन उसमें बहुत जान जाती है, इतनी मेहनत बंदा चलो पैशन वाला ही कर सकता है, बट आई थिंक फॉर यंगस्टर्स आई विल से बेटा सोच समझ के आना, मतलब स्ट्रॉन्ग दिमाग के साथ। अगर आपके बच्चे इंशाल्लाह कल को होते हैं तो आप उनको कहेंगे ठीक है सिंगर बन जाओ, लेकिन मैं आई विल फाइंड अ डिफरेंट पोर्टल फॉर देम, कि कुछ इंटरनेशनल सीन्स के थ्रू के, मतलब इस तरह। अच्छा, ये बताएं कि जब ये सब कुछ अब क्या है प्लान, कि ये करना है मुझे, ये अचीव करना, कहाँ पहुंचना चाहती हूँ? हाँ, आई रियली विश एक प्लान में बहुत टाइम से चाह रही हूँ, बोलने में शर्म आ रही है। नहीं नहीं बता दें। अच्छा, मैं ना मतलब तरस रही हूँ कि ना मुझे किसी तरह कोलैबोरेशन हो जाए मेरी कोई के-पॉप के साथ। अच्छा, ठीक है, आप तो घुल मिल जाएंगी, उनमें पता ही नहीं चलेगा। हाँ, अब जाके मुझे मतलब, हाँ पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था लोग जब मुझे चाइनीज या कुछ बोलते थे ना इस तरह, जिस तरह की मैं लगती हूँ, अब मैंने एम्ब्रेस कर लिया, क्योंकि अब आई लाइक देम। तो आप क्या रहे के-पॉप के साथ आप गाएं? Because you know they're a big scene right now, वो पूरी दुनिया में मतलब वो रूल कर रहे हैं। अच्छा, वो मुझे इनका ही नहीं पता, ये इंग्लिश में गाते हैं? दे बहुत जबरदस्त सीन है इनका, अपनी लैंग्वेज में ही गाते हैं, लेकिन उन्होंने फॉर्मूला क्या यूज़ किया है कि एक इंग्लिश वर्ड डाल देंगे जिससे वो गाना इंटरनेशनल हो जाता है, फिर वो धुन की वजह से और उस एक इंग्लिश वर्ड की वजह से लोग पूरा पूरा सुनते हैं, जैसे कोई एक आप अपनी अपनी ही लैंग्वेज। यार एक मिनट, है कोई यहाँ के-पॉप सुनता है आप लोगों में से? के-पॉप वाला है या पॉपकॉर्न वाला है? कोई ऐसी लाइन बताएं जिसमें एक वर्ड हो, जैसे यार जैसे ब्लैक पिंक का एक गाना है, हाउ यू लाइक दैट, तो उसमें इंग्लिश आ रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें कोरियन में भी गा रहे हैं। oh, तो अच्छा। अपनी लैंग्वेज इंटरनेशनल लेके चले गए यार, और पीपल आर लिसनिंग टू इट, तो ये बहुत अच्छा। उसमें सोलो भी है, मतलब के-पॉप के अंदर सोलो आर्टिस्ट भी है। अच्छा, जिस तरह उसमें एक के-पॉप बेसिकली जॉनर है, ये ग्रुप है। Yeah, it's a genre. He's right. It's a genre. K Korean industry ने इसको introduce किया है. Oh, अच्छा, K-pop. K-pop में अलग-अलग artists हैं. उसके अंदर जो है groups भी हैं. जैसे BTS हैं. जिनको वो idols बुलाते हैं. जिनको वो idols बुलाते हैं, उनको treat ही वैसे किया जाता है. तो it's like a factory. क्या बात है? It's like a factory. It's just like जैसे cricket के लिए नहीं, लोग trials रखते हैं, फिर वहीं से recruit करते हैं, फिर उनको train करते हैं, फिर उनको मैदान पे ले जाते हैं। तो K-pop का भी सिस्टम आइडल वाला यही है कि वो पहले उनको रिक्रूट करेंगे, ऑडिशंस लेंगे, फिर रिक्रूट करेंगे, फिर उनको पॉलिश करेंगे और फिर उनको मैदान यानी उनके स्टेज पे डाल देंगे। तो आपको K-pop के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत ही नहीं, आप कोरियन सीखो, कोरियन के बीच में एक सिराइकी का वर्ड डाल दो। क्या बात है, सिराइकी का वर्ड बना, अपनी ज़बान का ना डाल दूं। S-pop. S-pop. सिराइकी पॉप, मर्जी आपकी। हाँ, कुछ भी कर सकते नहीं, तो आप अपनी ज़बान का डाल दें, कोई मसला नहीं, आप उसको इंटरनेशनल, बस उसको अब किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है मैं उसी पे परेशान हूँ। उनके प्रोड्यूसर्स भी तो जबरदस्त है ना यार, देव गॉट अमेजिंग प्रोड्यूसर्स, इट्स अ बिग पता नहीं बिलियन डॉलर कंपनी, मतलब जो पूरे इंडस्ट्री है जो उन पे पैसा लगा रही है। ठीक है जी, जबरदस्त बात हो रही है। नताशा से वक्त हो जी, ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद और उनके साथ मौजूद है नताशा बेग। आपके साथ हम खेलेंगे दिस और दैट। ऑलराइट, एक सवाल होगा, उसके दो ऑप्शंस हैं, आपने एक जवाब देना है। आप बोथ नहीं बोल सकती,
अच्छा। इनमें से ये नहीं है, ये भी नहीं बोल, जो हम ऑप्शन देंगे बस वही है, और रीजन भी नहीं देना, रीजन भी नहीं देना कि क्यों चूज किया। फिर हम आपसे जब पूछेंगे ये फंसाने वाले गेम्स क्यों पसंद है लोगों को, असल में लड़कियां हमसे नहीं फंस रही, हम गेस्ट को फंसा रहे। अच्छा जी, कराची का शोर या फिर गिलगित की खामोशी? ओए कैसा आंसू निकाल दिए। थैंक्स यार, थैंक्स, थैंक्स यार, सच अ कल्चरल क्वेश्चन। थैंक्स यार, थैंक्स। अब तुम लोग मुझे रीजन भी देने का नहीं बोलते, मुझे जवाब तो ऐसा दें, बताएं। देखिए, खामोशी देर तक नहीं बर्दाश्त होती मुझे। ओ कराची का शोर या गिलगित खामोशी, ये जवाब दें बस अभी। यू आर लाइक अमिताभ बच्चन। कराची का शोर ज्यादा अच्छा लगता है आपको? वजह अब बोला तो सही, मैंने खामोशी ज्यादा बर्दाश्त नहीं है मुझे। डर लगता है? डर डर नहीं लगता, मैं दो तीन दिन तक मुझे मजा आ जाएगा कि ओ पीसफुल, फिर चौथे दिन होता है टेंशन, दो टेंशन चाहिए मुझे। हम इतना यूज्ड टू हो चुके हैं काम के और उसके कि हम कहते हैं यार ये हम आज भी को हमारे पास कुछ नहीं करने को, आज हम किसी चीज के लिए परेशान नहीं हो रहे। अच्छा, मुझे मुझे ये खामोशी ज्यादा, हाँ लोग मुझसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, मैं यही बोलूंगी पर ऐसा ठीक है। ये बताएं कोक स्टूडियो या नेस्कैफे बेसमेंट, ये हम तमाम सिंगर से पूछते हैं। कोक स्टूडियो ठीक है। ये बताइए कि नसीबो लाली आपदा परवीन जी? अल्लाह नहीं यार, हाँ यार दोनों जबरदस्त हैं यार। हमने कब बोला एक जबरदस्त, बट इफ आई हैव टू चूज तो आपदा परवीन। आपदा परवीन। ये बताएं लाइव गाना पसंद है या सीडी लगा के मुंह हिलाना? ऑफ कोर्स लाइव गाना। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप लाइव नहीं गा पाते, तो फिर आप क्या करते हैं? हाँ कहीं कहीं, अब जैसे कि अब उसमें भी मैं बताती हूँ कि वही शुरू के टाइम्स में जब मैं रिबेलियस थी तो मुझे कहते थे कि लिप सिंक करवा देंगे, तो उसमें भी मुझे गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब समझ आता है कि क्यों, क्योंकि हमारा साउंड सिस्टम अच्छा नहीं है। कोई चैनल पे अगर कहीं जाओ तो फिर वो लाइव के इक्विपमेंट नहीं है। गरीब लोग हैं यार हम, इंडस्ट्री नहीं है, हम क्या करें, ऐसे ही मैनेज कर लो। ऐसे ही मैनेज, तो हम लोग सीडी पे फिर कर देते, फिर मैं मान लेती हूँ चलो ठीक है। मतलब कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट में तो ऐसा नहीं? नहीं कॉन्सर्ट में नहीं, कॉन्सर्ट में मैंने हमेशा लाइव ही गाया है, मैं नहीं कर सकती सीडी पे। ठीक है, ये बताइए कि माइकल जैक्सन या नाज़िया हसन? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन ठीक है। बिलावल भुट्टो या इमरान खान? इमरान खान। इमरान हंसी क्यों? मैंने बोला ये कैसा ऑप्शन है? ऐसी ऑप्शन है भाई, सलाद रायता भी तो ऑप्शन होता है ना। ऑपोजिट्स की बात कर रहे हैं ना। हां ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? मतलब मुझे लगा इट्स ऑब्वियस इमरान खान, आई मीन ऑल्दो आई एम नॉट अ पॉलिटिकल वो, लेकिन व्हाई इज इट सो ऑब्वियस, व्हाई इमरान खान एंड व्हाई नॉट बिलावल भुट्टो? मैं तो बिलावल भुट्टो को पसंद करता हूं यार, पर्सनालिटी नहीं यार। आप बिलावल हाउस तो देखे जाके, पूरा उन्होंने देखा नहीं ना, मैंने देखा नहीं अभी, बंद किया है ना, अंदर से देखूंगे तो क्या पता। ठीक है, ये बताइए कि स्विट्जरलैंड या हुंजा? स्विट्जरलैंड। हुंजा तो देखा हुआ है ना। अच्छा, वाह ये भी ठीक है। सूफी रॉक या फिर क्लासिकल? सूफी रॉक। पहाड़ या समंदर? दोनों की बड़ी फैन नहीं हूँ मैं यार, वेरी सेल्फिश ऑफ यू। समंदर। 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 समंदर सीवी वाला या हॉक्सवे वाला? वो वाला समंदर जहाँ कोई नहीं होता। यहाँ कोई नहीं होता? ये कौन सा समंदर है भाई? मतलब वही जो प्राइवेट बीच होते हैं। वही हॉक्सवे। अच्छा, हॉक्सवे टाइप। हाँ। अच्छा, कंपोजर सॉन्ग या सिंगर सॉन्ग? हाय आई लव बोथ बट एक देखो, गाती तो मैं वैसे ही हूँ, कंपोजर सॉन्ग बोलूंगी क्योंकि कंपोज करके जो खुशी मिलती है ना। हाँ। अच्छा, वैसे यूजुअली कितना टाइम लग जाता है गाना कंपोज करने? आमद का वक्त, आमद होती है या एक तो बस... आमद, वैसे तो मैं ज्यादातर आमदों पे ही चलती हूँ, लेकिन कंपोज में भी ये होता है कि एक आई लव दैट प्रोसेस, जब पता चलता है कि हमें कुछ गाना कंपोज करना है तो मैं अकेली नहीं होती हूँ, हम तीन लोग बैठे होते हैं, मेरा छोटा भाई, मैं और फिर मेरा मैनेजर हसन, और फिर जो है मेरा भाई गिटार बजा रहा होता है, फिर हम उसमें धुन बना रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग को एक घंटे के अंदर अंदर धुन बन जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, बन जाती। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर कोई आपको जरा वो नहीं होता क्योंकि आप सिंगर हैं, तो लोग बोलते होंगे यार जरा नताशा जरा दो लाइनें सुना देना, तो आप जो है वो गाना जो है नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही सुनाती हैं या उसमें अपनी ओवर एफिशिएंसियां डाल के सुनाती हैं? नहीं नहीं, ओवर तेरी नहीं 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 नहीं, मैं गा देती हूँ जैसे, और यार ओवर एफिशिएंसी कैसे करूंगी, मैं क्लासिकली ट्रेन भी नहीं हूँ, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स जगह तो मुझे आती भी नहीं होंगी, तो आप वैसी गा देती हैं जैसा वो होता है। जैसे गाया बस दिल से जो आ रहा है। हैप्पी बर्थडे गाती है? नहीं, मुझे इतना बुरा लगता है ना, मतलब मुझे होता है, बुरा लगता है, क्या गलत बात कर रही है? नहीं मतलब मुझे ये गुस्सा आता है कि मतलब एक तो मान मुश्किल से लड़ लड़ा के मैं आके सिंगर बनी हूँ, और जब मुझे रिक्वेस्ट आती ना कि इसकी बर्थडे फलाना को बर्थडे विश करें, मुझे बहुत गुस्सा आता है, और प्रॉब्लम ये कि एक को करेंगे तो 10 और मांगेंगे। बिल्कुल ऐसी नहीं, तो अगर आप नहीं करती, मना कर देती है? मैं एकदम जैसे मैंने पढ़ा ही नहीं है। नहीं, अगर हम दोनों आपको अपनी मेरी बर्थडे पे बुलाएं, मेरा केक कट रहा है, तो आप गाएंगी हैप्पी बर्थडे? पूरा गाएंगी? हां, कहां तक? कहां तक? क्या बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आदि, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर। आगे एक और होता है, हाउ ओल्ड आर यू नाउ, ये देखा, ये एफिशिएंसी आ गई। एग्जैक्टली, ठीक है। ये बताइए कि ज़ोए बिकी जी या फिर शाय गिल?
आई नो जोई विके जी, सो जोई विके जी। जोई विके जी। चावल या रोटी? हमारा बैंड कह रहा पापे। यार आई लव रोटी, हाँ, लेकिन चावल बेहतर है क्योंकि रोटी जितनी लगती है ना बॉडी को, चावल उतनी लगता, उतना नहीं लगता, तो चावल आई विल गो फॉर। ठीक है, सही है, ठीक है। ये बताएं शिकवा या फिर जवाब शिकवा? ये क्या है, बताइए। शिकवा या जवाब शिकवा? चले मैं जवाब शिकवा चुनती हूँ। जवाब शिकवा। ये बताएं गोला गंडा डंडी पे लगा के या चम्मच के साथ खाते? यार गोला गंडा मैं बहुत कम खाया है। यही मैं पूछ रहा था, खाती भी है क्योंकि मतलब वो तो हाँ, बहुत गले की वजह से नहीं खाती लेकिन बहुत कम, लेकिन डंडी के साथ अच्छा होता है ना। हाँ डंडी के साथ। ठीक है, वर्ल्ड टूर पे जाना चाहेंगी या माइकल जैक्सन से मिलना चाहेंगी? माइकल जैक्सन से मिलना। कैसे मिलेंगे तो मर गए? मर के मिलूंगी, अब क्या करूंगी। ओ अच्छा ठीक है, मेकअप या नो मेकअप? नो मेकअप। नो मेकअप। अच्छा कौन सा ऐसा सिंगर है जिसके साथ आप कोलैबोरेट नहीं करना चाहेंगी? ये दिस और दैट तो नहीं हुआ। दिस और दैट है ना? क्यों? अच्छा सही है, आई तायर अलीशा। क्यों? इतने क्यूट हैं बेचारे। इतने यार माशाल्लाह क्यूट हैं ये, बस बाल क्यूट है तभी नहीं करना, सिंगर नहीं ना, क्यूट है। और कौन सा ऐसा सिंगर जिसके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगी? जिनके साथ मैं बहुत, मेरा नाम नहीं लेगा प्लीज। और माइकल जैक्सन भी नहीं हो सकते? हाँ जिंदा। बहुत हैं यार, वैसे आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद जाफर जैदी। जाफर जैदी, यस वेरी गुड, अच्छी चॉइस है आपकी। ठीक है ये बताएं इश्क लारा या फिर झूमले? लेकिन ऐसी मेरे दिमाग में सवाल, ये ओपरा जो होता है जी, ये क्या होता है यार? वो उसमें वो नोट्स के साथ खेल रहे होते हैं ना, वो नोट्स नोट्स होते हैं, वो टच करते हैं। उसमें कोई लिरिक्स विरिक्स नहीं होते? उसमें लिरिक्स नहीं होती, देयर जस्ट देयर टचिंग द नोट्स व्हिच इज वेरी हार्ड। हां तो उसके लिए लोग बैठ के सुनते हैं बस। हां वो यही देख रहे होते हैं ना कि वो कितने नोट्स टच कर रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल काम होता है डेफिनेटली। ये तो हमारे पॉलिटिशियन को करना चाहिए, वो तो सारे नोट टच कर रहे हैं। वो दूसरे वाले नोट है भाई, वो दूसरे वाले नोट है। अच्छा ये बताइए जो गला संभालने का एक तरीका होता है, सुबह कहते हैं वो जो मटके में आवाज देते हैं। ये ना मैं शुरू में करती थी, अब मैंने सब छोड़ दिया। शुरू में किया आपने मटके में? सब किया है मैंने, कि शुरू में जब गला खुलता है उससे कहते हैं। हाँ हुआ होता ये था कि ऑब्वियसली फिर एक एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, पक्का कर देता है ना, अच्छा कर देता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, अभी भी डर लगता है कि कुछ भी हो सकता है गले को, लेकिन जब शुरू शुरू में जब मैं सिंगर बनी थी और ये जब मैं शोज कर रही हूँ या मैं किसी चीज़ का पार्ट हूँ, तो मुझे तो था पहले से टेंशन हो जाती थी कि मेरा गला बैठ तो नहीं रहा, ये सोच सोच के बिठा देती थी अपने गले को मैं। और फिर मैं उसके ऊपर टोटके कर रही हूँ, मटके मैं गा रही हूँ और मुलैठी खा रही हूँ और पता नहीं गरम गरम चीज, जितना ख्याल रख रही थी उतना गला खराब होता था। मैंने ख्याल रखना ही छोड़ दिया। ये आपने अच्छा किया, बोले तुम्हें मैं इतना रफली रखूंगी ना, ट्रीट करूंगी कि तुम हर हाल में गा सको। आप सुबह उठ के वो फयाज करती हैं? फयाज नहीं, रियाज करती हैं। अभी फिलहाल मैं नहीं कर रही। वैसे करती हैं आप? मैं मतलब एक शुरू शुरू के टाइम में बहुत किया है। सही है। अब मेरे हिसाब से मेरे लिए रियाज पता क्या है वैसे तो, मतलब आई स्टिल वांट टू डू एंड आई वांट टू टेक आउट टाइम फॉर इट, लेकिन अभी मेरा रियाज क्या होता है कि कोई गाना सुना तो उसी को मतलब अटेम्प्ट किया, उसी की उसकी कोई जगह सुनी तो उसको प्रैक्टिस की, तो एक तरह से मेरी एक लिसनिंग रियाज भी होती है। मैं कोई चीज़ सुनती हूँ ना तो उसको भी मैं कैच कर सकती हूँ, तो उसको भी मैं वैसे रियाज ही मानती हूँ। बिल्कुल ठीक है जी, ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहता हूँ अगर कुछ सवाल आपके पास मौजूद है तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज पूछिए। क्या आपकी कोई ऐसी बात है जो आप चाहती हैं आपके फैंस को आपके बारे में हमेशा याद रहे? लेकिन बता रही हूँ ताकि बेचारे कल को डरे नहीं। बड़ा कभी किसी फैंस को मैंने नहीं डांटा है, लेकिन एक मेरा जिंदगी में पहली बार, वैसे तो गुस्सा मेरा है ही बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मैं उसको नहीं आने देती, पर एक बार हो गया था एक कॉन्सर्ट में, बैक स्टेज जो है मेरा बहुत गंदा, मतलब उसमें अहमद जानते मैं चिल्ला रही थी क्योंकि आगे वाला बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ, फिर लोग कहते हैं आर्टिस्ट बदतमीजी करता है, लेकिन आगे वाले ने मुझे मौका दिया चिल्लाने का तो मैंने चिल्लाया, एंड अनुषा अशरफ वॉज देयर ऑल्सो, और हर किसी ने मेरा वो रूप पहली बार देखा था तो काफ़ी मतलब, और मैं लिटरली स्टेज पे जाते हुए भी कह रही हूँ छोड़ूंगी नहीं मैं, और मेरा भाई पीछे से आ रहा है, वो बेचारा बेस लेके खड़ा, कह रहा है इसको बाद में देख लेंगे अभी शो कर, मतलब ठीक है ठीक है। तो गुस्सा भाई, गुस्से भाई। अगर आप सिंगर नहीं होती तो क्या होती? मैं अगर सिंगर नहीं होती तो मैं वेट डॉक्टर होती, वेटरनरी सर्जन। अच्छा कुत्ते बिल्ली की डॉक्टर? क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज आई लव एनिमल्स एंड आई वॉन्ट टू हेल्प देम। तो हमारी तो नहीं कर रही आप। आप पे मैं स्पेशलाइज जरूर करूंगी। वाह बिल्कुल ठीक है। हाँ जी,
मेरा आपसे सवाल था कि एज अ क्रिकेटर वर यू अ बैट्समैन बॉलर और एन ऑलराउंडर एंड हु वाज योर क्रिकेटिंग आइडल? यार मैं ऑफ ब्रेक स्पिन करती थी। होता क्या है पहले तो ये बताएं मुझे। ऑफ ब्रेक स्पिन ये बॉल अंदर आता है ये होता है, ये मेरे कोच ने सिखाया था मुझे। ठीक है। और यार सईद अजमल, सईद अजमल वो इंस्पिरेशन थे आपके? वो तो दूसरा तीसरा भी कर लेते थे। हां मैं दूसरा तीसरा नहीं सीखा यार। नहीं फिर तब तक मैं छोड़ चुकी थी ना, तो खैर अच्छा जितना आता था उसी में खेला है। मुझे लगता है आप भी क्रिकेट खेलती हैं। देखा मुझे सवाल से लग रहा है। वेयर आर यू प्लेइंग वैसे? आर यू like in any academy or something? Yeah, I used to play. Yeah, currently I've taken a break, but I do play. You used to play? क्यों गया आपका? क्यों लिया? Due to exams. अरे due to exams. मतलब वैसे तो खेल रही है ना? Yes. लेकिन खेलना जरूर है। आप क्या करते हैं? वो batting bowling? I'm a batting all rounder. ये bowling होती है? यार वैसे इसको देख के लग रहा है all rounder है। Batting all rounder. Batting all rounder जबरदस्त यार। Goalkeeping नहीं? Goalkeeping football में होती है मेरे भाई। Wicket keeping आती है आपको? नहीं नहीं batting all rounder batting करता है main और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। बहुत मुश्किल है यार, जरा अजीब सी तरह बैठा होता है, फकीरों की तरह। क्या काम? सबसे मेन आदमी होता है वो, मेन होता है, अजीब सा होता है। खैर लेकिन अच्छी बात है कि हमारे रुझान हो रहे हैं खवातीन क्रिकेट में, थोड़ा सीरियस हो रहे हैं। ठीक है नताशा, वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन मैं चाहता हूँ ब्रेक में जाने से पहले अगर आप हमें कुछ सुना दें, दो चार सुना दें हम उसके साथ, खरी खरी सुना दें चाहे तो कोई मसला नहीं। मैं सुनाऊंगी अपनी रिसेंट एल्बम का एक गाना। जी प्लीज बिल्कुल। वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोजे दरों। वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोजे दरों। शर्फ में बढ़ के सुरैया से मुश्तेखाक उसकी, हर शर्फ है उसी दर्ज का दुरे मकनू। वजूदे जन से है तस्वीरे रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोजे दरूं। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद हैं आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है नताशा बेग। अब हम आपके साथ खेलने वाले हैं यस नो आई डोंट नो। ओके ठीक है। क्यों? जब बोला यस नो आई डोंट नो मिला, ये अच्छी बात है। अच्छा जी, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, आप ये तीन वर्ड्स ये तीन लव्ज नहीं बोल सकते। अच्छा नहीं, वापस क्या गेम? गेम ये है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जी, आप यस नो और आई डोंट नो नहीं बोल नहीं सकते, बोल सकते। हाँ, ये उर्दू में भी नहीं, हाँ नहीं पता नहीं, नहीं बोल सकते। अच्छा जी, मैं खुश थी, मैं बोला हर जगह बोलूंगी आई डोंट नो। इतना आसानी से कैसे? सुना है लोग आपको आपकी शक्ल से पहचान जाते हैं कि आप हुंदा से हैं। बिल्कुल पहचानते हैं। मैं एक बहुत अच्छी सिंगर हूँ। बिल्कुल हूँ। क्या बिल्कुल बिल्कुल ना करें? अच्छा ठीक है, बोलो क्या मतलब, एक एग्जांपल दो क्या? जवाब दें, लेकिन उसमें ये अगर आपको मैं बोलूँ कि आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हो, आप क्या जवाब देंगे? लोग मेरी हर बात पे हंसते हैं। ओके, यू हैव टू लाइक स्टेटमेंट देना, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, क्या आपको सच में फील होता है कि आप सुपर वुमन है अपनी सिंगिंग स्किल्स को देखते हुए? यार कुछ अच्छा नहीं यार, आप लोग तरह मैं स्पॉन्टेनियस नहीं हूँ। नहीं कुछ सोचिए मुझे बिल्कुल लगता है कि मैं सुपर वुमन हूँ, क्योंकि मेरी एक अपनी एक यूनिक आवाज़ है, और एक टाइम पे ये यूनिक आवाज़ मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन अब वो मुझे मेरी सुपर पावर लगती है। ठीक है, ठीक मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ। मैं एक्चुअली डांस बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन किया नहीं अभी तक। नहीं बोल दिया आप क्या? किया नहीं, नहीं, नहीं अच्छा नहीं बोलना ही नहीं है, नहीं है ही नहीं।
क्या आप गिलगित बल्तिस्तान में आपको देखते हुए और भी फीमेल सिंगर्स आगे आ रही हैं? मुझे सोशल मीडिया में काफी इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती हैं। अच्छा मैनेज कर रही हैं। जिसमें जो है गिलगित बल्तिस्तान से लड़कियां जो हैं वो छोटे छोटे कवर्स डाल रही हैं, तो बहुत खुशी होती है देख के। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट को घर के साथ साथ घर संभालने के भी सारे काम आने चाहिए। वो हर इंसान को आना चाहिए। वाह आर्टिस्ट क्यों, क्या बात। वरना अक्सर ऐसे होता भी है कि लोग करते हैं कि यार हम तो आर्टिस्ट हैं ना, हमारे ये काम नहीं। मेरे हिसाब से आर्टिस्ट ही सबसे ज्यादा मजदूर है। अगर कभी स्टेज पर माइकल जैक्सन की तरह परफॉर्म करना पड़ जाए तो करेंगी? आई वुड लव टू। मैं उसके लिए महीनों रिहर्सल्स करूंगी। आंसू आ गए। आई वुड लव टू। मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है। मुझे पाकिस्तान से प्यार है क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है। वाह वेरी गुड। सही तैयारी है। अगर फिल्म एंड टीवी की जगह जर्नलिज्म में एडमिशन मिलता तो उसमें ग्रेजुएशन कर लेती? बहुत उसमें अल्फाजों का इस्तेमाल होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। आपका जखीरा होना चाहिए लफ्जों का। माय गॉड, जखीरा। मैं स्पाइसी खाना खाती हूँ। स्पाइसी खाना खाने से मैं पानी बहुत पीती हूँ। बहुत बुरा खेल रही हूँ मैं। सही सही। नहीं ठीक है। क्या आपके करीबी लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में आकर आपने बेशुमार पैसा बनाया है? पता नहीं क्यों नहीं। जी फिर से बोले। मैं यार ये नहीं क्यों यही है। हाँ लगता है। है? नहीं नहीं हाँ? अच्छा वापस पूछे। वापस पूछे। क्या आपके गरीबी लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में आकर आपने बेशुमार पैसा बनाया है? मैंने अगर बेशुमार पैसा बनाया होता तो मेरी बहुत प्रॉपर्टीज होती। ठीक है जो कि नहीं है। सही है। नहीं। वो मुश्किल ये है यार। ठीक है तभी रखा है। मेरे दोस्त अक्सर मेरा दिल तोड़ जाते हैं। मेरे दोस्त अच्छे हैं। मजलूम लग रही है। हाँ और नहीं के अलावा क्या बोले बंदा। ठीक है सुना है बचपन में बगैर पढ़े ए ग्रेड ले लेती थी। ये टैलेंट था मुझ में। वाह क्या बात है। अच्छा ये बताएं जब कराची में बारिश होती है तो सब डूब जाता है? डूब जाता है इसमें बड़ी बात क्या है। ठीक है अली अजमत के साथ परफॉर्म करने का कहा जाए तो मैं फौरन मना कर दूंगी। किसने कहा? वेल डन। ठीक है समोसे आलू के अच्छे होते हैं। जो आपको पसंद है भाई। जो आपको पसंद है, पसंद है भाई। ठीक है माय ढाई की कोलैबोरेशन में केसरिया सॉन्ग ही आपकी शौहरत की वजह बनी। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ कोलैबोरेशन करके दैट इज द रीजन? माई ढाई की वजह से जो है मुझे इतना अच्छा गाना मिला और उनकी वजह से जो है वो बोलते ना कि एक लाइमलाइट पे आने का मुझे मौका मिला। तो बिल्कुल ये बात है। अगर मैं सिंगर ना होती तो क्रिकेटर होती? मैं अगर सिंगर बोले जी वापस कहिएगा। मैं अगर सिंगर ना होती तो सवाल शुरू से पूछे मुझसे। मैं सिंगर ना होती तो जोन में जोन में सिंगर ना होती तो क्रिकेटर होती। मैंने अभी कहा था कि मैं वेटरनरी सर्जन होती। अच्छा भाई तो गुस्सा आ गया। तीन वर्ड स्किप करने के चक्कर में गुस्से में आ गए। जानवरों से इतनी मोहब्बत है कि अगर कोई आपके सामने कुत्ते को पत्थर मारे तो आप उसको पत्थर मार देंगी? मैं उसकी माँ बहन एक कर दूंगी। बड़ा सूट बनवाना पड़ेगा। हाँ कैसे एक साथ कैसे फिट होंगे लोग? काफी खुला डुल्ला सूट हो जाएगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि काफी खवातीन जो है वो वुमेन कार्ड का गलत फायदा उठाती हैं? इंसान जो है ना जी वो एक बहुत मैनिपुलेटिव क्रिएचर है। ओके और वो हर चीज का हर अच्छी चीज में बुराई निकालते हैं। ठीक है आप हाँ नहीं पता नहीं कह सकती। ये बताएं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ था? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। आप खाली हुआ था बोल देती। हुआ था हाँ ये भी कर सकते थे। अच्छा क्यों नहीं कर सकते। ठीक है क्या आपको लगता है कि यशल शाहिद की आवाज आपकी आवाज से ज्यादा पावरफुल है? हो सकती है मुझे सुनना है उसको लाइव। ओके okay. ऐसा okay. कौन सा काम है जो आप कुछ भी हो जाए नहीं कर सकती? करके दिखा दूंगी फिर। क्या करके दिखा दूंगी? वो लव्ज आ रहा है अब जो नहीं बोलना मुझे। वो लव्ज आ रहा है जो नहीं बोलना है मुझे। क्या बात है। चले क्या बात है। आगे क्या आपका अपना गाया हुआ गाना कभी आपको बाद में बुरा या पसंदीदा लगा?
मुझे अपना गाया हुआ गाना जी जी ये यार इतना ज्यादा सीरियस खेल रही हैं अच्छा लग रहा है लोग धड़ाधड़ गलतियां करते हैं जी यार मतलब अच्छा खेलना है ना मतलब जी जी खेले करो तो अच्छा करो ना यार बिल्कुल तो मुझे अपना गाया हुआ गाना शुरू शुरू में जब आता है तो अजीब सा लगता है ठीक है फिर कुछ सालों बाद सुनूं तो कहती हूं कि इतना भी बुरा नहीं था नहीं नहीं बोल सकते अबे यार फेल कर दो मुझे अच्छा अच्छा कुछ नहीं आपने 8 या 9 दफा जो है ना नहीं और हां का इस्तेमाल किया लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला बहुत अच्छा खेला आपने कोशिश की Well done and thank you for taking the time out. Thank you so much for great having me. Great having you on the show. Likewise, I had and a great mashallah, time. We are very proud of you. Meet thank you. आप इसी तरह और अच्छा-अच्छा काम करती रहेंगी. Thank you. और भी माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहेंगी. और इंशाल्लाह जब आप ऐसे अमेरिका और यूरोप टूर करेंगी ना तो आपका कॉन्सर्ट मैं और फैजान होस्ट करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? वाह यार अपनी रोजगार तो अच्छी लगाई है. अभी नहीं बोल अभी गेम से बाहर आ गए. अच्छी रोजगार लगाई है. अगर अगर आप लोग होस्ट करेंगे तो फिर मजा आ जाएगा. पार्टी भी करेंगे इंशाल्लाह. अपने अपना रोजगार लगा लिया भाई ने. है ना अपना लगा लिया इंशाल्लाह. बट थैंक यू सो मच. अगर मैं तो बहुत सारे जो ऐसे सिंगर्स हैं जो भी लाइमलाइट ढूंढ रहे हैं या बनना चाहते हैं उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज अब आज के दौर के हिसाब से तो सोशल मीडिया से बड़ी चीज तो है ही नहीं तो आपके पास जो टूल है वो सोशल मीडिया है तो आप उसका भरपूर इस्तेमाल करें और बहुत सारे जो बडिंग आर्टिस्ट होते हैं ना वो इसलिए डिसहार्टेड हो जाते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आके उन्हें उठाएगा क्योंकि उनके अंदर टैलेंट बहुत है मसला है कि आज के दौर में टैलेंट सेकेंडरी है तो यू हैव टू अगर आपको राइट पैथ से जाना है तो सोशल मीडिया का भरपूर अच्छे से इस्तेमाल करें अपने गाने उस पर डालें और यू नो जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ और डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं क्योंकि हर कोई यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है सो इट्स नॉट अ बिग डील वेरी गुड बिल्कुल ठीक है अपनी स्ट्रगल को एंजॉय भी करें आदि भाई आप जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो डिजिटल मीडिया पे आप लोग को लगता है कि आपकी गालियाँ देने से या नेगेटिव कमेंट करने से किसी की भी जात पे कुछ फर्क पड़ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा वो आपकी अपनी जात पे फर्क बिल्कुल आप सिर्फ अपने आप को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं हर किसी के बारे में हेट सोच के जो अच्छी चीजें वो भी आपको बुरी लगने लग जाएंगी तो प्लीज स्टे पॉजिटिव ऑलराइट जी स्टे पॉजिटिव उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून कीजिएगा जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो आपने हमें पहले हैरान किया था आप हैरान परेशान कर दें तुझे आकार बनूं सूद फरामोश रहूं फिक्र परदा न करूं महवे गमे दोष रहूं क्यों मैं जियाकार बनूं सूद परामोश रहूं फिक्र परदा न करूं महवे गमे दोष रहूं नाले बुलबुल के सुनूं नाले बुलबुल के सुनूं और हम तन घोष रहूं हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं जुरता मो जुरतामोज मेरी ताबे सुखन है मुझको जुरतामोज मेरी ताबे सुखन है मुझको जुरतामोज मेरी ताबे सुखन है मुझको शिकवा अल्लाह से खा कम बदहन है मुझको शिकवा अल्लाह से खा कम बदहन है मुझको बजा है बजा है बजा है बजा है बजा शेवाए तस्लीब में मशहूर हैं हम किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम साज खामोश है पर याद से मामूर हैं हम नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम है खुदा शिकवाए शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले 1 2 3 हुगरे हम्द से थोड़ा सगीला भी सुन ले हुगरे हम्द से थोड़ा सगीला भी सुन ले हुगरे हम्द से थोड़ा सगीला भी सुन ले हुगरे मजेदार 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 मजेदार
मजेदार शो।